हेलो एवरीवन एंड टीचर फॉर योर क्वेश्चन इन अन एटम हैविंग 2k 8l 8m एंड 2n इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m इक्वल टू जीरो s इज इक्वल टू प्लस हाफ तो हमारे पास यहाँ पे k l m n ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिए मतलब चार चार क्वांटम नंबर दिए हमारे चार क्वांटम नंबर मतलब चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल और फोर चेल तो यहाँ पे ये जो टू एट 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 ये उनके अंदर के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन है और हमें यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जिसकी वैल्यू जीरो है तो वहां पे हमें खाली क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का स्पिन टोटल कितना है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं जहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो पॉसिबल है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन से समझेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टू के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने वन एज टू टू एस टू टू पी सिक्स एट एल के इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे थ्री एस टू थ्री पी सिक्स एट एम के इलेक्ट्रॉन हो गए और फोर एस टू टू एन के इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे बॉक्स डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर तो यहाँ पे बॉक्स डायग्राम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन और बॉक्स डायग्राम तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो लिखा है ये के एल एम एन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ पे जो एस पी ये जो है वो एजमतुल क्वांटम नंबर है तो एजमतुल क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे एस के लिए जुरो होती है पी के लिए वन होती है एस के लिए जुरो पी के लिए वन एस के लिए जुरो तो यहाँ पे एल की वैल्यू एस पी डी और एफ इनकी वैल्यू यहाँ पे पता होना जरूरी है तो उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है एम वो हो होता है प्लस एल टू माइनस एल इनकी बीच की सब पॉसिबल वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग जूरो तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू ज़ूरो है तो एम की वैल्यू भी ज़ूरो हो जाएगी तो यहाँ पे मैं एम की वैल्यू लिखता हूं जूरो तो यहाँ पे जुरो मतलब एक ऑर्बिटल हो जाएगा वो तो यहाँ पे यहाँ पे भी जुरो है टू एस यहाँ पे आपका टू पी के लिए हो जाएगा प्लस वन जीरो माइनस वन यहाँ पे थ्री एस के लिए जोरो हो जाएगा और थ्री पी के लिए फिर से प्लस वन जीरो माइनस वन और फोर एस के लिए फिर से जोरो हो जाएगा तो यहाँ पे हमें जूरो को फोकस करना है एम की वैल्यू जहाँ जहाँ पे जूरो है वहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन होना फिक्स है क्योंकि एम की कोई भी ए, एक वैल्यू जो है ऑर्बाइटल को रिप्रेजेंट करती है ऑर्बाइटल्स

दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 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 दो इलेक्ट्रॉन और हमें खाली क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को देखना है जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ स्पिन दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दूसरा यहाँ पे तीसरा चौथा ये फिफ्थ है और ये सिक्स है तो टोटल हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन कि जिनका एस की वैल्यू प्लस हाफ है तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर आई है अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन थैंक यू